ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश ग्रामर में, क्लास 6 के बच्चे ध्यान देंगे। आपने पहले पढ़ा सेंटेंस, दूसरा चैप्टर था आपका नाउन द काइंड, यानी कितने प्रकार के होते हैं। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है नाउन द नंबर। हिंदी में आप पढ़ते हो वचन ना, वही है एक वचन बहुवचन। एक वचन यानी सिंगुलर नाउन और बहुवचन यानी प्लूरल नाउन। जब चीज़ें एक होती हैं, किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो चीज़ अकेली है, एक ही है, जैसे कोई लड़का, दैट इज सिंगुलर नाउन। अगर नंबर में पूछा जाए तो, है ना, पेन, अ पेन, दैट इज सिंगुलर नाउन। हाँ, इसको अगर बहुवचन बनाना हो तो पेंस, स्कूल, स्कूल्स हो जाएगा, बैग, बैग्स हो जाएगा। बहुवचन बनाना हो, प्लूरल बनाना हो तो चलिए चैप्टर में हम शुरू करते हैं। नंबर ऑफ नाउन टेल्स अस वेदर द पर्सन, प्लेस और थिंग इंडिकेटेड बाय द नाउन वर्ड इज सिंगल और मोर देन वन। नंबर ऑफ नाउन यानी संज्ञा का जो वचन है, यानी नंबर है, वो हमें बताता है कि जिस पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में हमें संज्ञा बता रही है, जिस पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कितना है, एक है या एक से अधिक है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, पहला है स्कूल। अगर स्कूल कहा तो एक है, लेकिन स्कूल्स कहा तो अनेक है ना। स्टूडेंट है एक, स्टूडेंट्स कहा तो एक से ज़्यादा स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी भी हो सकते हैं, दो चार भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं। वही हाल है बैग का, एक बैग है तो बैग, और एक से ज़्यादा है तो बैग्स, बॉटल, बॉटल्स। नंबर ऑफ नाउन्स, हाँ तो बॉटल, बॉटल्स तो हो गया, लेकिन नंबर ऑफ नाउन्स, अभी देखिए नाउन्स हैव टू नंबर्स, दे आर सिंगुलर नाउन एंड सेकेंड इज प्लूरल नाउन। अ सिंगुलर नाउन स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु या जगह, स्थान के बारे में बात करते हैं, तब जो है वो नाउन जो है, वो संज्ञा जो है, वो सिंगुलर होती है, एक वचन होता है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग है, एलिफेंट है, पार्क है, पेशेंट है। लेकिन सेकंड प्लूरल नाउन, अ प्लूरल नाउन स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। एक से अधिक जब व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हम बात करते हैं, तब वहाँ प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स, बिल्डिंग में ही यस लगा दिया, बिल्डिंग्स हो गया। एलिफेंट में यस लगाया, एलिफेंट्स हो गया। पार्क में यस लगाया, पार्क्स हो गया। पेशेंट में यस लगाया, पेशेंट्स हो गया। तो सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन वर्ड्स आर, बेसिकली ऑल नाउन्स आर इन सिंगुलर फॉर्म। जितनी भी संज्ञा होती है वो मूलतः, ओरिजन से, बर्थ से जो है वो सिंगुलर ही होती है, उसको प्लूरल बनाना पड़ता है। ठीक है, देखिए कैसे। प्लूरल नाउन्स आर मेड फ्रॉम दोज सिंगुलर वंस, उन्हीं सिंगुलर नाउन्स का इस्तेमाल करके प्लूरल नाउन्स बनाई जाती हैं। प्लूरल्स आर फॉर्म्ड इन मेनी वेज, कई सारे तरीकों से प्लूरल नाउन बनाई जाती है। इन मोस्ट केसेस, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, इट इज़ डन बाय एडिंग यस और ईएस। अक्सर जो है शब्द के अंत में, नाउन के अंत में यस या ईएस लगा देने से आपका जो है वो प्लूरल बन जाता है टू द सिंगुलर नाउन। सीधा वो एग्जाम्पल्स आगे आके आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। लेकिन मेनी केसेस, बट इन मेनी ऑफ द नाउन्स नीड अ माइनर चेंज ऑफ स्पेलिंग एट द एंड, स्पेलिंग के एंड में जो है छोटी सी बदलाव करनी पड़ती है, यस और यस लगा के काम नहीं चलता। जैसे देखिए मैंगो है, तो मैंगो में आपको ई एस आपने लगा दिया, मैंगोज हो गया। ठीक है, लेकिन नाइफ़ अगर है तो यफ़ी जहाँ पे होता है ना लास्ट में, तो वहाँ पे आप यस नहीं लगा सकते, नाइफेस नहीं हो सकता, नाइफ्स होगा, यफ की जगह वी हो जाएगा। ठीक है, नाइफ्स। ठीक है, वाइफ होता ना, तो वाइफ में भी वाइफ्स हो जाता है, लाइफ होता है, लाइफ्स हो जाता है। ठीक है, तो वेज टू टर्न अ सिंगुलर नाउन इनटू द प्लूरल, नाउन्स विथ यूजुअल एंडिंग। जब यूजुअल एंडिंग वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे क्लॉक है, स्कूल है, तो उसमें आप यस लगाते हो और उसको प्लूरल बनाते हो। सेकेंड है नाउन एंडिंग इन यस, डबल यस, यस एच, सी एच और यक्स, ये वाला। ठीक है, यस, डबल यस, यस एच, सी एच, यक्स, तो ई एस एट द एंड, तो इनके अंत में जो है ई एस लगाया जाता है।
ठीक है। और ऐसे शब्द देखिए, आप देख सकते हो ऐसे शब्द आपके यहाँ हैं, ये रहा ए डबल एस लिखा हुआ है पहले में, है ना, ए डबल एस, तो उसमें ई एस लगाया, गैस लिखा हुआ है गैसेस हो गया ई एस, बुश बुशेस, मैच डबल एस का अंत है, एंडिंग है यस की, एंडिंग है यस एच की, एंडिंग है मैच में सी एच की, एंडिंग है वहाँ पे भी ई एस लगा है, और बॉक्स में एक्स की एंडिंग है वहाँ पे बॉक्सेस लगा है, ठीक है। तीसरा है आपका नाउन्स एंडिंग विथ ओ, ओ के अंत वाले शब्दों में भी ई एस लगता है, जैसे पोटैटो है तो ई एस लगा के पोटैटोस। सर्टेन अदर नाउन्स एंडिंग इन ओ दैट हैव टू पुट अप यस, सर्टेन अदर नाउन्स एंडिंग इन ओ यस एट द एंड, जैसे लोगो लोगोज, ठीक है। उसके बाद रेडियो रेडियोज। आज का पहला पेज जो है आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पेज आप लोग का जो है कल होगा, ठीक है।